ये प्रॉब्लम कॉमन है, सभी घरों में होती है, सभी घरों में इन्वर्टर तो लगी लगी होगी, लेकिन ये जो प्रॉब्लम आपको मैं बता रहा हूँ, ये मतलब प्रॉब्लम ऐसा है जो कि हर एक लोगों को जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी होती है। क्या होता है प्रॉब्लम, सबसे पहले ये समझिए होगी कि आपके पास इन्वर्टर होगा और हो सकता है आपकी इन्वर्टर पुरानी हो गई होगी, और पुराने होने के बाद उसकी एम्पीयर डाउन हो जाती है, और डाउन होने के बाद उसकी बैकअप भी कम हो जाती है। तो रीज़न ये होता है कि आपने सारे के सारे घरों में वैसे कनेक्शन लगा रखे हैं जैसे कि आपकी लाइट कटे तो ऑटोमेटिक ही आपकी फ़ैन और बॉल जो भी होती है वो जलने लगती है। लेकिन उस सिचुएशन में क्या होता है, आपकी इन्वर्टर में ज़्यादा एम्पीयर होने के कारण से, ज़्यादा लोड होने के कारण से आपकी बैटरी ज़्यादा देर तक वॉच नहीं कर पाती है और आपकी इन्वर्टर डेड हो जाती है। तो उस सिचुएशन में आपको वायरिंग चेंज करानी पड़ती है या किसी लोड कम करानी पड़ती है, जैसे बाय द वे आपके 5 पंखे चल रहे हैं तो 3 पंखे करानी पड़ती है। लेकिन ये जो मैं आपको आज तरीका बताने वाला हूँ, ये विधि बताने वाला हूँ, इस विधि के सहारे आप किसी भी मतलब इन बोर्ड को नॉर्मल बोर्ड से इलेक्ट्रिक में मतलब इन्वर्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं और इन्वर्टर से इलेक्ट्रिसिटी पे कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि मतलब मैं एक स्विच का इस्तेमाल करूंगा, उस स्विच के माध्यम से आप जैसे ये सर्किट चल रही है अभी इन्वर्टर से, तो ये आपको लाइट से ऑटोमेटिक चलने लगेगी, लाइट जब कटेगी तो ऑटोमेटिक इसकी लाइट चली जाएगी। और अगर आपकी मर्जी करे कि हाँ नहीं हमको इस सर्किट को इलेक्ट्रिसिटी से चलाना मतलब इन्वर्टर से चलानी है, तो उस सिचुएशन में ऑटोमेटिक ही आपका इन्वर्टर पे चला आएगा। तो क्या होगा रीजन, मतलब आपको एक स्विच का बस स्विच ऑन ऑफ करनी होगी जिससे आपकी लाइन से इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक से लाइन पे चली जाएगी। ये प्रॉब्लम कॉमन है, सभी के लिए ये ज़रूरी वीडियो होगी, तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। जिससे हाँ एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो मैं अभी कर रहा हूँ, ये आपका लाइट ओपन है इस टाइम ही कर रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी अपने सप्लाई को ऑफ करके ही ये काम करिएगा, आपके लिए बेटर होगा। तो ये सिचुएशन को समझने के लिए और मतलब जानने के लिए हम अब वीडियो को लेकर के मतलब कैमरे को लेकर के आते हैं नज़दीक, और नज़दीक से आपको मैं बताने वाला और इसको कनेक्शन समझाने वाला हूँ जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि आपको इसको कैसे कनेक्शन करनी होगी। समर भाई कैमरे को नज़दीक लाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पर आप पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी सबसे पहले। दूसरा बात यह कि आपको लाइन संबंधित या रिपेयरिंग संबंधित किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो ये इंस्टाग्राम हैंडल नीचे दिख रही है, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हाँ मेरे भाई एक चीज़ और जानकारी आपको दे दूं कि इन्वर्टर से जैसे बाय द वे मैं जैसे ही मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि कितने लोगों की परेशानी ये हो जाती है कि जैसे मान लीजिए अभी इन्वर्टर पे हमारी सप्लाई चल रही है सही है, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं ये हमारी ओनली लाइट पे चले, तो उस सिचुएशन में आपको खोल करके वायरिंग चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन नहीं, बस आपको एक स्विच लगानी है जिसके माध्यम से आप इसको चेंज अप कर सकते हैं। तो क्या होगी, सारे के सारे मैकेनिज्म आपको नज़दीक से समझाता हूँ और फटाफट से समझाता हूँ। तो कैमरे को लेकर के आते हैं नज़दीक। तो भाई इसको करने के लिए आपको इस तरह की एक लेना होगा डुबल स्विच, जिसको टू वे स्विच बोलते हैं, और इस टू वे स्विच जो कि मैंने एंकर का यूज़ कर रहा हूँ, मैंने पैनल एंकर का लिया है इसलिए एंकर को लेना होगा। अगर आप दूसरा कंपनी का लिए होंगे तो आप दूसरा उसी अकॉर्डिंग इस पैनल को ले सकते हैं, यानी कि स्विच को ले सकते हैं आप टू वे स्विच। इसकी कुछ इंट्रोडक्शन जैसे वायरिंग डायग्राम आपको इस पर बनाई रहती है, आप इसके सहारे से भी ले सकते हैं, बट आपको ये स्विच को हमको इसमें इंस्टॉल करना होगा। तो हमको इंस्टॉल करने के लिए आप स्विच के किसी भी एक हिस्से से एक स्विच को इसमें से निकाल दीजिएगा। तो बाय द वे हम इसी स्विच को यहाँ से हटा लेते हैं, जैसे ये हमारी ये स्विच हो जाती है तो हम इसको फटाफट से इसमें से हटा लेते हैं। कट करने के बाद हमको यहाँ पे ये स्विच जो टू वे स्विच हमने इसमें लगाया है, ये टू वे स्विच को हमको इस पे लगा देनी होगी। टू वे स्विच का पहचान कुछ इस तरह का होता है जो कि आपको नीचे दो जो दो धारियाँ बनी मतलब एक नीचे एक ऊपर बनी है, ये दो स्विच की निशानी होती है। नॉर्मल स्विच में ये कोई भी सिंबल नहीं बनी रहती है, आपका टू वे स्विच में सिंबल बना रहता है। तो ये टू वे स्विच आपको कुछ इस तरह से नीचे से आती है, तीन ट्रैक होते हैं, बीच में भी होते हैं और दोनों ऊपर नीचे भी इसकी ट्रैक होती है। तो अब आपको कनेक्शन क्या करनी होगी, बाय द वे ये वाली इन्वर्टर की जो सर्किट होती है, ये हमने इन्वर्टर की सर्किट की है क्योंकि ये हमारी इन्वर्टर की इनपुट है और ये हमारी जो मोटी हरी वाली वायर दिख रही होगी ये हमारी लाइट की इनपुट है। तो हमको दोनों साइड से एक एक वायर लाके इस दोनों पे कनेक्ट करनी होगी क्योंकि हमको एक इन्वर्टर का जैसे मैंने आपको बताया कि एक इन्वर्टर का हमको सप्लाई लेना होगा, तो इन्वर्टर की सप्लाई हमारी ये हो जाती है, तो हमको इसको डालना होगा ऊपर के साइड या नीचे के साइड कहीं भी डाल सकते हैं। ये हमारी हो गई इन्वर्टर की सप्लाई, अब हमको इसमें लेनी होगी लाइट की सप्लाई। तो लाइट की सप्लाई लेने के लिए हमने लाइट का कनेक्शन यहाँ पे कर रखा है, ये वाली ऊपर वाली फेज जो लाइट की हो जाती है, हमको ऊपर वाले से भी एक वायर लेनी होगी। तो हम ऊपर वाले से भी फटाफट एक वायर ले लेते हैं क्योंकि हमको दोनों से इसकी सप्लाई लेनी होगी। तो हमने एक नीचे वाले से भी इसमें वायर जोड़ी और डायरेक्टली हम ले आकर के इसको कनेक्ट करेंगे कहाँ, तो सप्लाई में, मेन सप्लाई में हम इसको कनेक्ट करेंगे। ये जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ, ये स्टेप को आपने बहुत ही मतलब बिल्कुल ध्यान से रखनी होगी। अगर इलेक्ट्रिशियन देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये नई टेक्नोलॉजी और मतलब नए ट्रिक्स होगी, आपको भी ये जानकारी रखनी बहुत ही ज़रूरी होती है जिससे आप बार बार मतलब कनेक्शन को ओपन नहीं कर पाएंगे और आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इस वायर को अब डायरेक्टली जो कि मैंने एक नीचे की वायर लिया, इसको हम जोड़ेंगे डायरेक्टली ये इनपुट से, यानी कि हमारी ये इनपुट लाइट की इन्वर्टर से मतलब जो मेन सप्लाई होती है वही है क्योंकि यही सप्लाई आपकी इंडिकेशन से इनपुट में है। तो हम इसको जोड़ेंगे यहां पे,
तो ये समझ लीजिए हमारी ये सप्लाई यहाँ पे आ चुकी है दोनों की सप्लाई, ये वाली हरी वाली हो जाती है आपका मेन सप्लाई और ये हो जाता है आपका रेड वाला इन्वर्टर का। अब जो बिजला वाला ट्रैक होता है इस बीच वाले ट्रैक से आपको जितने सर्किट पे आपको इन्वर्टर की सप्लाई देनी है, हमको यहाँ से यहाँ तक इन्वर्टर की सप्लाई देनी है, तो हमको यहाँ से यहाँ की एक सर्किट लेकर के और बीच वाले पे जोड़ देनी होगी। तो हम यहाँ से लेते हैं एक सर्किट ये वाली और हमको इसको करते हैं अब डायरेक्टली कनेक्शन। जैसे मैंने यहाँ से इन्वर्टर का कनेक्शन हटाया है तो मैं यहीं पे इस वायर को डालूंगा और इसको कनेक्ट कर दूंगा। ऐसे देखेंगे आप ये हमारी कनेक्शन हो गई और हमको इसको डालना होगा अब बीच वाले पे। बीच वाले पे डालने के बाद में हमारी जो जितनी भी सर्किट होगी वो लाइट से भी ऑपरेट होने लगेगी और डायरेक्ट इन्वर्टर से भी ऑपरेट होने लगेगा। बाय द वे इंडिकेशन की आपकी कोई भी सिंबल नहीं जाएगी, जैसे आपने इन्वर्टर पे मतलब आपका इन्वर्टर पे इंडिकेशन नहीं जलता है तो वैसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। जैसे ये हमारी कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं रहेगी, आप डायरेक्टली इस सप्लाई को यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ से भी जलेगी और यहाँ से भी जलेगी, बट ये लाइट कटने के बाद ये इन्वर्टर आपका ऑटोमेटिक ही ऑफ हो जाएगा। और ये हो जाता है हमारा फैन का कनेक्शन। तो फैन आप लाइट से ऑपरेट करें या इन्वर्टर से ऑपरेट करें कोई दिक्कत नहीं होगी, दोनों से आपकी सप्लाई चलती रहेगी। अब आपकी लाइट कट जाती है तो उस सिचुएशन में आपका बार बार जाके इन्वर्टर ऑफ करने की जरूरत नहीं है। इस तरह के कनेक्शन से आप फिर से कनेक्शन को समझ लीजिए, जो थ्री वे स्विच के जो बीच वाला हिस्सा होगा उससे आपको सप्लाई लेकर के जितने सर्किट पे आपको इन्वर्टर की कनेक्शन करनी होगी उतने पे दे देनी होगी। और जो दो ऊपर और नीचे से बचती है तो नीचे वाले में आपको नीचे वाले या ऊपर वाले में कहीं से भी आपको एक एक सर्किट में आपका इन्वर्टर का वायर और एक सर्किट में आपका लाइट का वायर दे देना होगा। इससे आपकी कॉम्बिनेशन चेंज होती रहेगी। सो इस तरह से कनेक्शन अपने बोर्ड में करनी होगी। तो इस तरह से सर्किट को अपना कनेक्शन करके आप आसानी से चेंज ओवर कर सकते हैं। आपको बार बार सर्किट खोलने की जरूरत नहीं है और लाइट मतलब चेंज ओवर करने की जरूरत नहीं है। मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये मतलब फार्मूला काम करती है। और हाँ, इलेक्ट्रिशियन को हर एक रूम में इस तरह की सुविधा देनी चाहिए जिससे कस्टमर को आसानी हो किसी भी किसी भी सर्किट को चेंज ओवर करने के लिए। सो फाइनल ये हमारा जानकारी आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फाइनल मिलते हैं नए वीडियो में। अगर और तरह की जानकारी चाहिए तो जैसे मैंने पहले बताया आपको इंस्टाग्राम आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। सो फाइनल